बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। वंदो सदगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, एहे अपनो विलास। श्री महामती मनसा मिट गई, सब सुपन केरी आस। सब सुपन केरी आस, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। धाम धनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद। अभी आपने जिस किरंतन का भाव श्रवण किया, किरंतन वही है, ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। ये किरंतन वैष्णव का तात्पर्य होता है जो भगवान श्री विष्णु को मानने वाले, जो इष्ट है उस इष्ट के अनुसार इष्ट के मानने वालों का नामकरण होता है। विष्णु के मानने वालों का नामकरण वैष्णव, शिव के मानने वालों का नामकरण शिव, और राम को मानने वाले का नाम रामानंदी। इसी तरह अनेक संप्रदायों का जो नामकरण है, कई बार उनके इष्ट के नाम से, किसी के गुरु के नाम से या फिर संप्रदाय के नाम से, तो जो जो नामकरण दिए हैं उस नामकरण के अनुसार श्रीजी साहब धाम धनी श्री राजजी महाराज उन सुंदर सात को संबोधित कर रहे हैं या उन व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस मार्ग पर चला है, क्या वो उस मार्ग का पूर्णतया अनुकरण कर रहा है। यदि अनुकरण नहीं कर रहा है तो उन सुंदर साथ के लिए सूचना है, संदेश है कि हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वहां को, कि किसको वैष्णव कहा जाता है, यानी किसको हम विष्णु के मानने वाले समझे, और उसके अगले चरण में क्या करें। निर्मल जाके आत्मा करे, जिसकी आत्मा पवित्र हो। आत्मा से तात्पर्य यहां पर उनके जीव का अंतस्करण होगा। आत्मा यानी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि, वैसे तो उस आत्मा के अंदर परम धाम का अनंत सुख विराजमान है, और उस आत्मा के अंदर केवल परमात्मा की छवि रहती है। और इस दुनिया के अंदर जो जीव है, उस जीव का जो अंतस्करण है, पूरा का पूरा मोह माया का जो बंधन है, जीव के अंतस्करण के ऊपर डिपेंड करता है। और जीव का अंतस्करण ही ज्ञान इंद्रियों के रूप में कार्य करता है, और ज्ञान इंद्रियां इस दुनिया के विषयों की तरफ आकर्षित होती है। और इस वजह से जैसे जैसे ज्ञान इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित होती है, वैसे वैसे विषय वासना अंतस्करण के अंदर बढ़ने लगते हैं, और जब बढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे ये अंतस्करण गंदा होने लगता है। और उसी चीज को क्या कह रहे कि जैसे ही ये अंतस्करण साफ होगा तो जीव भी साफ होगा। वैसे आत्मा का जब सवाल आया तो एक उत्तर श्री सद्गुरु महाराज ने, जब मेहराज ठाकुर ने ये बात पूछी, क्या मेरी आत्मा निर्मल है या अवगुण है, तो वहां सद्गुरु महाराज ने उत्तर में, जवाब में ये कहा कि हे महाराज, आपकी आत्मा पवित्र है। क्यों कहा? क्योंकि मोह के बंधन में कौन पड़ा है? केवल जीव।
और आत्मा दृष्टा बन करके, यानी देखने वाली बन करके आत्मा उस खेल को देख रही है, इसलिए आत्मा को बंधन में नहीं समझेंगे। पर जो जीव है वो जीव बंधन में है, और जीव बंधन में है तो जीव के बंधन में आ जाने से क्या होता है कि जीव जैसे ही बंधन में आया तो जीव का माध्यम बन जाता है अंतस्करण, और अंतस्करण का माध्यम बनता है इंद्रियां। तो ये धीरे 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 आत्मा को ऐसा घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि जिसकी वजह से आत्मा स्वयं इस विषय वासनाओं के अंदर माने जाती है, जबकि आत्मा इनसे विमुक्त है, इन प्रकृति के बंधन से विमुक्त है। लेकिन एक चौपाई वाणी में जैसे कहा, जीवे आत्म अंधिकरी मिल अंतस्करण अंधेर, अंधी इंद्रियां कि उनकी इंद्रियां भी और अंतस्करण भी और जीव, ये सब मिल करके एक तरह से जीव को आत्मा को ऐसे बंधन में डालते हैं कि जिस वजह से ये आत्मा उनके बंधन से बाहर निकल नहीं पाती है, और इस वजह से आत्मा इनके जैसी मानी जाती है। जैसे शराबी के साथ रहने वाला भले शराब नहीं पीवे, लेकिन लोग उसको क्या बोलेंगे, शराबी ही बोलेंगे। तो जीव के साथ रहने से भले जीव और आत्मा दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है, लेकिन जीव मोह के बंधन में पड़ा हुआ है और आत्मा मोह के बंधन से मुक्त है। दोनों का मार्ग अलग अलग है, लेकिन ये दोनों की संगति एक साथ हो गई है, और दोनों की संगति एक साथ हो गई इसलिए जीव दोषी होने के साथ साथ आत्मा को भी दोषी माना गया है। बाकी आत्मा बिल्कुल इसमें दोषी नहीं है, आत्मा बिल्कुल इन बंधनों से परे हैं। अब कैसे जीव अंतस्करण और इंद्रियां कैसे संसार के और अग्रसर होते हैं, तो आपको एक बात कहूं कि हमारी पांचों इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां मानी जाती हैं, ज्ञान उसी विषय से ग्रहण करती है जिन विषयों का पता चलता है, और दुनिया के जो पांच विषय हैं इन पांचों विषय में हर मानव लिप्त है। अब कोशिश करिए कि यदि आप कान एक श्रोत्रिय इंद्रिय है, इस श्रोत्रिय इंद्रिय को ले लीजिए, और इस इंद्रिय को लेने के बाद ये भी किसी विषय को चाहता है, और इसका विषय क्या है, शब्द। भले लोग कहते हैं कि खाने पीने में आनंद आता है, लेकिन शब्द सुनने में भी आनंद आता है। तो इसीलिए ये जो इंद्रिय है कर्ण इंद्रिय, ये कर्ण इंद्रिय किस विषय को चाहती है, शब्द को। अब शब्द विषय है, यही विषय शब्द अच्छा लगा तो हमें आनंद आया, बेकार लगा तो हमें दुख हुआ, अच्छा नहीं भी लगा और बेकार भी नहीं लगा तो हमें सुना पर मजा नहीं आया। शब्द ही शब्द है, ठीक है। किसी की निंदा हो रही है और 10 लोग सुनने वाले तो उनको आनंद आ रहा है, तो सोचिए कि इसी शब्द का आनंद भी आता और कई बार इसी शब्द का आनंद नहीं भी आता है। कई बार व्यक्ति सभा में बैठता है और सुनते सुनते चर्चा अच्छी लगी तो लोग क्या बोलते हैं कि बड़ा आनंद आया, क्योंकि शब्द का ही फर्क था। किसी के शब्द में ऊंचा उछाल था, किसी के शब्द में मिठास थी, किसी के शब्द में ना मिठास है ना उछाल है, ना वीरता है ना करुणा है, बेचारा बोला ही जा रहा है तो ना हंस सकते ना रो सकते हैं, तो कंडीशन कैसी हो गई, शब्द सुना लेकिन आनंद नहीं आया। तो ये क्या है, एक विषय है, शब्द विषय। सपोज मान लीजिए आपके सामने एक डीजे रखा है, वर्तमान जो इस महीने में जो चल रहा सिस्टम अपनी गुजराती भाषा में अत्यारे जे चाले से आ महीना नी अंदर, डीजे जो ये सांभळी अने भला भला ना हाथ अने पग थिरकवा लागे, लागे कि नहीं लागे, म्यूजिक काढ़ी नाखो बधू काढ़ी नाखो गायक नहीं कहू तू गाइन जो तो केवू लागे, थिरकवानो दूर नहीं बात, लोगो शू कहसे, खाली टाइम बर्बाद करे जवा दो उनके। बाकी जे गायक ना गायनो वागे ने एने तमे खाली सांभळी लो ने बीजी वार सांभळवानी इच्छा ज नहीं थाय, पण म्यूजिक साथे सांभळे तो आनंद छे। एटले विषय हतो पण विषय मां मिक्स कर्यु, जेम आपणे सब्जी छे पण सब्जी मां मिर्च मसालो थोड़ोक नाखी અને એવું સ્વાદિષ્ટ બનાવે કે નહીં ખાવાવાળો પણ ખાય, એવી રીતે શબ્દ સીધો છે
કોઈક ની સીધી ભાષા કહેવા જાય તો સમજણ નથી પડતી, પણ પ્રેમપૂર્વક થોડુંક વાલા સાંભળ ને ભાઈ, બકા સાંભળ ને, થોડુંક કામ કરી દે તો પ્રેમપૂર્વક કરે. અને સીધું સીધું કહેતા રે, કહેતા રે, આપણે નહીં સાંભળવું. તો શબ્દ વહી હે, શબ્દ મેં અંતર વહી આતા હે કે જબ વ્યક્તિ થોડા અપને મિર્ચ મસાલો કો થોડા એસા એડ કરતા હે કે જિન શબ્દો કી વજહ સે વ્યક્તિ આકર્ષિત હોતા ચલા જાતા હે, ઓર યહી શબ્દ યદિ શ્રેયસ્કર હુએ તો વ્યક્તિ આત્મકલ્યાણ કી ઓર ચલા ગયા, ઓર યહી શબ્દ ડુબોને વાલે હુએ તો બરબાદી કી ઓર ચલા ગયા. યહી શબ્દ યદિ હમારે જીવન મે જ્ઞાન ઓર બિઝનેસ કે રૂપ મે પ્રયોગ હુએ તો વ્યક્તિ ધનવાન હો ગયા, ઓર યહી શબ્દ કા પ્રયોગ નહીં હુઆ તો ગરીબ હો ગયા. કિસી ટીચર કો જ્ઞાન નહીં હે તો માન લીજે વો ટીચર નહીં બન સકતા, લેકિન યદિ ઉસકો જ્ઞાન હે ઇસકા મતલબ કિ વો આગે બઢ ગયા. સમજને વાલી બાત યહી હે કિ યે જ્ઞાન થા તો આગે બઢા, નહીં થા તો વો નહીં બઢા. યાને શબ્દ વિષય વ્યક્તિ કો ચાહે તો આબાદ કર સકતા હે ઓર ચાહે તો બરબાદ કર સકતા, દોનો હી ચીઝ હે. ઓર હર ચીઝ મે દોનો તુલના રખી, એસા નહીં કેવલ શબ્દ મે હી દોનો પક્ષ રખા, હર વિષય મે દોનો પક્ષ રખે. ઓર કઈ કઈ વિષય એસે ભી હે કે જિન મે કઈ પક્ષ રખે. તો ઇસીલિયે જ્ઞાન કા વિષય ઓર જ્ઞાન કા યે શબ્દ કા જો વિષય હે, ઇસ શબ્દ રૂપી વિષય કી તરફ આકર્ષિત હોને વાલી યે ઇન્દ્રિયા, ઓર યે ઇન્દ્રિયા ઇતની આકર્ષિત હોતી અચ્છે લગને લગે તો વ્યક્તિ ઉન શબ્દો મે ખો જાતા હે, ઓર અચ્છે નહીં લગને લગે તો ઉન શબ્દો સે પરેશાન હો જાતા હે. યદિ કોઈ બડબડાને લગા તો દિમાગ ખરાબ હુઆ, ઓર કોઈ અચ્છા બોલને લગા તો મજા આ ગયા. તો યે શબ્દો કી મારામારી ઓર શબ્દો કે વિષય મે જબ કર્ણ ઇન્દ્રિયા પડતી હે તો યે ક્યા હો ગયા, જીવે આત્મ અંધી કરી મિલંતસ્કરણ અંધેર, અંધી ઇન્દ્રિયા ગિરદવાય જિન લિયા આત્મ કો ઘેર. કે યહી ચીજે હે ધીરે 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 ક્યા હે કે ઘેરને લગતી હે, ઓર કાન કર્ણ ઇન્દ્રિય કહીં ઓર જાતી હે, અપની ચક્ષુ ઇન્દ્રિય કહીં ઓર જાતી હે. અપની ચક્ષુ ઇન્દ્રિય મે યદિ મંચ અચ્છા નહીં લગા તો વ્યક્તિ બેઠતા હી નહીં. કઈ લોગ તો મંચ કો ભી દેખને આતે હે કે ઉનકા મંચ કેસા થા, ઠીક હે, મંચ પર બેઠને વાલે લોગ પસંદ નહીં હૈ તો ભી કુછ લોગ ચલે જાતે હે. તો યે ક્યા હે, શ્રોત્રી ઇન્દ્રિય કા જ્ઞાન હે. વિષય વિષય ચીજ હે કે ક્યા ચીજ, યદિ દેખો મે સીધી સિમ્પલ ભાષા મે સમજાઉં કે યદિ સીધા ટેન્ટા ડાલ કરકે બના દિયા જાતા તો કેસા લગતા, શાયદ ઉમરિયા ઓર રાયણી ફળિયા ઓર ડુંગરા ફળિયા વાલો કો હર વ્યક્તિ કહેતા તુમ લોગો કો કુછ ભી બુદ્ધિ નહીં, યે શબ્દ આતા ક્યું, ક્યુંકી ઉન્હોને જ્ઞાન કે લિયે કિયા, લેકિન ઉસમે થોડા યદિ બઢિયા કિયા તો અબ ક્યા બોલેંગે, ક્યા મંચ થા ભાઈ, ઇસકે જૈસા મેને કભી દેખા, તો યે દૂસરે શબ્દ આયે, ઠીક હે. તો યહી હે ચક્ષુ ઇન્દ્રિય કા કાર્ય. કુછ વ્યક્તિ કી ચક્ષુ ઇન્દ્રિય કામ કરતી, કિસી કી કર્ણ ઇન્દ્રિય કામ કરતી, કિસી કી જીવા ઇન્દ્રિય કામ કરતી. ખાને મે ઇન્ટરેસ્ટ નહીં આયા તો ક્યા બોલતા હે, સત્સંગ ઓર મંચ બઢિયા થા, સભા ભી બઢિયા થી, લોગ ભી બઢિયા થે, પણ ખાને મે કોઈ ટેસ્ટ નહીં થા. આ વિષય આવે, સાનો વિષય, જીવાનો વિષય. સત્સંગ મે બેઠે હો હર વિષય હમે કેસે આકર્ષિત કરતા. કઈ બાર વ્યક્તિ સોચતા હે કે સત્સંગ મે બેઠને કે બાદ કોઈ વિષય નહીં સતાતા, ના, જો સત્સંગ મે બેઠતા ઉનકો ભી વિષય સતાતા હે, ઓર જો સત્સંગ મે નહીં બેઠા ઉનકો ભી વિષય સતાતા હે. સત્સંગ મે બેઠને વાલે કે વિષય કેસે હોતે ઓર નહીં બેઠને વાલે કે વિષય કેસે હોતે, દોનો કલ્પના કીજીએ. તો ઇસીલિયે હર ચીજ મે અંતર પડેગા આપકો, કહીં ના કહીં કોઈ કમેન્ટ કરને વાલા મિલી જાતા હે, યે નહીં સોચતા જૈસા ભી કિયા લેકિન બઢિયા કિયા, યે લાઇન બહોત કમ નિકલતી હે, લેકિન પૂરી કોશિશ કરતા કહીં તો ભૂલ મિલી જાની ચાહીએ, તબ મેં એક દો શબ્દ તો સુના હી જાઉં. ઓર બિચારે માંડ માંડ વો સમિતિ કે લોગ, કાર્યક્રમ કરને વાલે લોગ ઇતની કોશિશ કરતે એક મહિને સે કે પૂરા સેટઅપ સેટ કરતે હૈ, ઓર ઉસમે સે ચાર દિન યા પાંચ દિન મેં ઇતને કમેન્ટ આ જાતે હૈ, અગલી વાર શિબિર વાલા સોચતા કે શિબિર હી નહીં રખની, જિસકો રખની રખે, હમે આગે કરના નહીં, વો બિચારા ઘબરા જાતા હૈ. ઉસકી ભાવના શ્રેષ્ઠ હે કે સારી દુનિયા કો બ્રહ્મ જ્ઞાન મિલે, વો જ્ઞાન સુનાને કે લિયે કરતે હૈ, ઓર કમેન્ટ કરને વાલે એસે કમેન્ટ કર દેતે હૈ કે સુનાને વાલા
और करने वाला दोनों ही घबराते हैं, फिर ना सुनाने वाला आता है और ना व्यवस्था करने वाला मिलता है, फिर लोग बोलते शिविर होती ही नहीं, क्योंकि ये विषय जो है हम लोगों को आकर्षित करते हैं और कहीं ना कहीं गिरा देते हैं। तो यही विषय श्रोत्रिय, चक्षु और जिह्वा विषय, इसी तरह स्पर्श विषय भी है, और स्पर्श विषय में भी कई बार नीचे बैठने में मखमली गद्दे जैसा लगा तो आनंद आता है, और कई बार उबड़ खाबड़ चुभने लगा तो बोलते हैं व्यवस्था तो ठीक थी लेकर बैठने का ठीक नहीं था, कमर में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उनका मंच ऊंचा नीचा चल रहा था। तो ये है स्पर्श विषय। इसी तरह विषयों का जो विषयों की जो श्रृंखला है, अलग अलग विषय शब्द रूप है, रूप यानी जिससे हम देख करके आकर्षित होते हैं, रस है, गंध है, गंध में भी वही होता है, जब व्यक्ति को किसी मंच में बैठने से अच्छी सुगंध आ रही, किसी खाने में अच्छी सुगंध आ रही तो व्यक्ति कहता है मजा आ गया, और नहीं सुगंध आई तो बोलता खाना तो था लेकिन कोई सुगंध ही नहीं था। तो इसी तरह ये अनेक विषय आते हैं, और ये विषयों की तरफ दौड़ने वाली पांच ज्ञान इंद्रियां हर व्यक्ति को भगाती है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं भगाती, हर व्यक्ति भागता है, और हर व्यक्ति भागता है। अब बताइए कि जिनकी इंद्रियां विषयों की ओर भाग रही है वो व्यक्ति स्थिर कैसे रहेगा? वो स्थिर नहीं रहेगा तो ज्ञान कैसे लेगा? ज्ञान नहीं लेगा तो पूजा पाठ ध्यान साधना में बैठेगा नहीं, और जो ध्यान साधना में बैठेगा नहीं वो भक्ति करेगा नहीं, जो भक्ति करेगा नहीं तो फिर नरक में जाना फिक्स है, कहीं भी घूम के आओ लेकिन मार्ग तो वही आकर के खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए ये वाणी कह रही हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाके आत्म, सीधा सीधा नहीं समझाया, सुंदर साथ को सीधा कह देते कि लालजी भाई तमे एवा छो तो खोटू लागे, એટલે શું કીધું વૈષ્ણવોમાં ફેરવી ઇન પાછા લાય આપણી તરફ, કદાચ બીજાને કહીએ તો ધીરે ધીરે બગલવાળા પણ સમજી જાય। એટલે હો ભાઈ મેરે વૈષ્ણવ કહીએ વાંકો નિર્મલ જાકી આત્મ, નીચ કર્મ કે નિકટ ના જાવે। અબ અગલા ચરણ જો કહે રહા હે કિસકે નિકટ નહીં જાના હે, નીચ કર્મ કે નિકટ ના જાના યાને જીતને ભી કુકર્મ હે उन सारे कुकर्मों के पास नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि यही कर्म है जो हमें इस दुनिया की ओर आकर्षित करके हमारे जीवन को तबाह कर देते। तो इसीलिए वेद में तकरीबन 6 प्रकार के कुकर्मों का वर्णन किया, और 6 प्रकार के कुकर्मों में कुछ ऐसे भी कर्म बताए कि जिन कर्मों को, जैसे गीता ने कहा कामह क्रोध लोभ एतत्त्रयम नरकस्य द्वारम, कि काम क्रोध और लोभ, काम से तात्पर्य है कि जितनी भी प्रकार की इच्छाएं जागृत हो रही, वो सारी इच्छाएं चाहे खाने की हो, चाहे देखने की हो, चाहे फिर लड़ने की हो, चाहे फिर गाली देने की हो, जो भी इच्छाएं जागृत होती वो सारी किस में आ जाती है? काम शब्द में। तो बोले ये जितने भी विषय जागृत होते हैं इन सभी विषयों में ये सारे के सारे विषय कैसे हैं? तो बोलिए नीच कर्म के बराबर है, और इन नीच कर्म के जो भी लाइन में आता है तो उनको कह रहे हैं कि हे वैष्णव, अच्छे वैष्णव तो वही माने जाएंगे जो नीच कर्म के निकट यानी पास में ना जाते हो। अब ये हमारे ऊपर भी लागू कर दिया कि यदि हमें भी सीधा नहीं कहा लेकिन घुमा करके कहा कि हमें भी नीच कर्म के नजीक जाना नहीं है, तो जाए पहचान भाई पारब्रह्म, कि यदि जिसका विषय स्पष्ट हो और उसके विषय में केवल आत्मा कल्याण का मार्ग हो, उस विषय में परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग हो, जिस मार्ग के अंदर केवल परमात्मा आता हो और जिनके अंदर श्रेष्ठ कल्याण की भावना हो, ऐसा व्यक्ति जो नीच कर्मों से विमुक्त हो करके सदा सत्कर्मों की ओर आगे बढ़ता हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यह संदेश है कि वही व्यक्ति वैष्णव कहलाने का अधिकारी है, और हमारे लिए भी वही है कि यदि हम इन कर्मों से दूर खड़े हैं
तो निश्चित रूप से हम भी निश्चित हैं कि इन कर्मों से विमुक्त हो जाएंगे। लेकिन यही कर्म हमारे ऊपर भी लागू हो रहे हैं और वैष्णव के ऊपर भी लागू हो रहे हैं। मान लीजिए दुनिया की कोई भी भक्ति करने वाला व्यक्ति है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे के सारे विषय क्या है कि ये सारे के सारे विषय हैं व्यक्ति को मौत की ओर ले जाने वाले, और साथ साथ में वही विषय व्यक्ति को नरक की ओर ले जाने वाले। इसीलिए वाणी में प्रकरण में आता है, सुनो रे सत के बंजारे में एक चरण है, उस चरण में कहा, आटी आन के फांसी लगाई वो भी उल्टी दई उल्टाई। कि कैसे ये उल्टी दई उल्टाई, कि यदि किसी एक वस्तु की कामना जागृत हुई तो एक वस्तु में से कम 50 विषय जागृत हो जाएंगे। सपोज मान लीजिए पुत्र को मोबाइल की इच्छा जागृत हुई और पिता की इच्छा है कि मोबाइल देना ही नहीं है। पुत्र चाहता है कि मेरा पिता मोबाइल ला करके दे, और पिता नहीं चाहता कि मेरे पुत्र को मोबाइल मिले। इन दोनों में से एक की इच्छा जागृत हुई, अब इन इच्छा में से एक दूसरा विषय जागृत होगा जिसका नाम क्या है, क्रोध। और क्रोध जागृत हुआ तो क्रोध के जागृत होने से कौन सी इंद्रियां फड़फड़ाने लगती है, जीवा नाम की इंद्रियां फड़फड़ाने लगती है। वो अपने शब्दों को ऐसा निकालना शुरू कर देती है कि इन शब्दों की वजह से क्रोध में से भी महासंग्राम शुरू होता है और सामने भी शब्द के बाण शुरू हो जाते हैं, और इन्हीं शब्दों में क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। और शब्दों में जब लड़ाई हुई तो सोच लीजिए कि यही शब्द पिता पुत्र के रिश्ते को तबाह कर देता है, और पिता पुत्र के रिश्ते को तबाह किया, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है कि पिता चाहता है पुत्र का मुख ना देखूं और पुत्र चाहता पिता का भी मुख ना देखूं, और वहां कौन सा दूसरा एक विषय खड़ा हो जाता है, ईर्ष्या, कि ये हमारे बगल में होना चाहिए नहीं। धीरे 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 ईर्ष्या से द्वेष, द्वेष से धीरे धीरे व्यक्ति को टेंशन, टेंशन से धीरे धीरे बीमारियां, फिर बीमारियों से धीरे धीरे व्यक्ति एंड में यही सोचता है या तो ये ठीक हो जाए या फिर मैं ठीक हो जाऊं, और नहीं ठीक हुआ तो वो चलता ही रहता है। तो ये है विषयों के अंदर से उत्पन्न होने वाले विकार, और ये सारे विकार धीरे धीरे व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। तो इसी पतन की ओर ना ले जाए, इसलिए वाणी हमें सावधान करना चाहती है कि जितने भी प्रकार के कुकर्म या नीच कर्म है, इन सारे नीच कर्म और कुकर्मों से हम छूटे, और इन कर्मों से छूट करके हम एक परमात्मा की ओर लगे। अगला चरण क्या कहता है, जाए पहचान भई पार ब्रह्म। जो कुकर्मों से विमुक्त है उनकी पहचान, उनका संबंध एक परमात्मा के साथ हो जाता है। इश्क लगाए पियासो पूरा। अब धीरे धीरे, अब ये बता रहे कि धीरे धीरे क्या होता है, जो विषयों से रहित है, जिनके पास विषय नहीं है, वो व्यक्ति कहां लगता है, तो बोले वो परमात्मा की ओर लगता है। और जो परमात्मा की ओर लगता है वो कैसी भावना से लगता है, तो बोले इश्क यानी प्रेम पूर्वक उस परमात्मा की साधना में डूबता है। खेले अबला होए अहिनिश, और उस प्रेम की रंग में रंग करके वो रात दिन उसके प्रेम में डूबा रहता है, ये उसकी एक अवस्था बनती है। और ओ अंधे अज्ञानी में भ्रम में भूले पर या ठोर प्रेम को रस, कि जैसे जैसे व्यक्ति की अज्ञानता बढ़ती है तो व्यक्ति अज्ञानता की ओर इतना आगे बढ़ जाता है कि उसका प्रेम का मार्ग छूट जाता है, परमात्मा का मार्ग छूट जाता है, व्यक्ति भक्ति के मार्ग से अलग हो जाता है, और धीरे धीरे मानवता के सिद्धांत की पटरी से भी उतर जाता है। ना वो अपनी मानवता समझ पाता है, और ना ही प्रेम को समझ पाता है, ना इंसानियत को समझ पाता है, कुछ नहीं समझ पाता है, और केवल उस अज्ञानता के अहंकार में डूब करके खड़ा हो जाता है। इसलिए इन सभी अज्ञानता के मार्ग से हट करके व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर चढ़े, इसलिए ये वाणी सीधी प्रेम की राह पर
अधिकतर ले जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेम एक दुनिया की वो चीज है। प्रेम ही कहा जाता है कि प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देती है और प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। यदि प्रेम नहीं है तो जो इंसान है वो भी शैतान बन सकता है। ये उल्टी दिशा है। पर जहां प्रेम है वहां शैतान भी इंसान बन सकता है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि अंगुलीमाल जैसा अंगुलीमाल जब बुद्ध के सानिध्य में आया तो उसके थोड़े से मीठे शब्दों से वो आकर्षित होकर के एक भिक्षुक बनता है। सोचिए, जबकि वही अंगुलीमाल एक राक्षस से भी खतरनाक थे जो सबकी अंगुलियां काट काट करके अपने गले की माला बना रहा है, लेकिन वही अंगुलीमाल को जब कुछ मीठे शब्द पड़े, उस मीठे शब्दों के साथ, प्रेम भरे शब्दों के साथ, वही अंगुलीमाल इतना परिवर्तन होता है कि एक दिन पत्थर पड़ते हैं तो भी अंगुलीमाल को कोई फर्क पड़ता नहीं। किस कारण से? बुद्ध के कुछ मीठे शब्दों से, प्रेम युक्त शब्दों से। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है और प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। यानी कि यदि आस्था होने लगी तो पत्थर में भी भगवान दिखने लगेंगे, और आस्था नहीं हुई नहीं तो भगवान को भी भगवान नहीं मानेंगे। पत्थर को तो दूर की बात, जो सच्चा आकर के भी खड़ा हो जाए ना उसको भी मानने को तैयार नहीं होंगे, उसको भी कह देंगे कि हम मानने वाले नहीं है। तो इसीलिए यही प्रेम की भावना है। जब व्यक्ति के अंदर शुष्कता आ जाती है तो शुष्कता के कारण से व्यक्ति धीरे धीरे कैसा हो जाता है? बिल्कुल प्रेम रहित हो जाता है। जैसे अपने अंदर शुष्कता आती है तो व्यक्ति को कहा जाता है कि उसके अंदर शुष्कता के कारण से, पानी की कमी के कारण से शरीर बेकार होने लगता है। इसी तरह हमारे जीवन में प्रेम नाम की चीज नहीं है, ज्ञान नाम की चीज नहीं है तो शुष्कता आई और उसकी वजह से व्यक्ति भक्ति के मार्ग से हट करके नास्तिकता की ओर चला जाता है और भावना नाम की चीज समाप्त हो जाती, प्रेम नाम की चीज समाप्त हो जाती है और व्यक्ति इतना नास्तिक बन जाता है कि स्वयं परमात्मा आकर के खड़ा हो जाए तो भी उसको विश्वास नहीं होगा कि ये परमात्मा है, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं, उसका दिल ऐसा परिवर्तन हो गया। तो यही वाणी हमें प्रेम के मार्ग पर ले चलती है और प्रेम हमारे लिए सर्वोपरि इसीलिए है क्योंकि वाणी और प्रेम परमात्मा की ओर ले जाता है। इसलिए परमात्मा जो प्रेम का स्वरूप है, उस परमात्मा की ओर जाना है तो प्रेम की जरूरत है, और जब प्रेम होगा तो क्या होगा? तब हमारी आत्मा उस परमात्मा की ओर आगे बढ़ेगी, और जब आत्मा परमात्मा की ओर आगे बढ़ेगी तब क्या होगा? जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, कि जब हमारी आत्मा पर आत्म के साथ जुड़ेगी तब क्या होगा? तब भयो आत्म निवेद, और उस समय व्यक्ति एक के भाव में, कैवल्य भाव में आएगा, और उस समय जब परमात्मा के चरणों में डूबेगा, आत्मा और पर आत्म दोनों जब एक हो जाएंगे तो उस समय हमें आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा, और जब आत्मा साक्षात्कार होगा तो निश्चित रूप से हमारा यहाँ आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा, और इस तरह हम इस दुनिया को छोड़कर के परमात्मा तक जा सकते हैं। याविद लोक लखे नहीं कोई, कोई भागवंती जाने ए भेद, कि आत्मा और पर आत्म को एक साथ करना और इस आत्मा के भाव में डूबना और परमात्मा में डूबना, ये केवल एक आत्माएं कर सकती है। दुनिया के जीव तो केवल माया की मोह की तरफ भाग ही रहे हैं, विषय वासनाओं की तरफ भाग रहे हैं, और हम आत्माएं यानी जो ब्रह्म सृष्टि है, ये ब्रह्म सृष्टि जिस दिन परमात्मा के सानिध्य में आएगी तो निश्चित रूप से सारे कर्मों को छोड़ करके अपने परमात्मा के चरणों में डूब करके अपना जीवन सदा के लिए उसके लिए समर्पित कर देगी। तो ये आत्मा के लक्षण हैं, और इससे विपरीत जीव के लक्षण हैं, जो सारे कुकर्म करता है, मोह माया के विषय में पड़ा रहता है और संसार से छूटना ही नहीं चाहता, और आत्मा का मार्ग है कि सदा इस संसार से छूटना चाहती है, मोह के बंधन से विमुक्त होना चाहती है, विषय वासनाओं से छूटना चाहती है और परमात्मा के अनंत आनंद को प्राप्त करना चाहती है, ये आत्मा का मार्ग है। तो दोनों ही मार्ग इस वाणी में बताए गए हैं।
मेरा समय भी पूरा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बोलो श्री प्राणनाथ। चौपाई दोहराएंगे। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद, अब भयो आत्म विवेक, याविद लोक लखे नहीं कोई, आविद लखे नहीं कोई, कोई भागवंती जाने ए भेद, कोई भागवंती जाने ए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।